लेकिन अजय जी का मैं रुख कर लेती हूँ। अजय जी, पहले तो आपने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, इस बार बीजेपी क्या करेगी? नहीं, देखिए मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का राजनीतिक रूप से जननायक जनता पार्टी को नुकसान हुआ, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या हमने हरियाणा प्रदेश का नुकसान होने दिया? क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे पहले भारतवर्ष के अंदर किसानों के खाते में सीधा पैसे जाने वाली स्कीम सबसे पहले हरियाणा में लागू हुई कि नहीं हुई? 8% की भागीदारी बैकवर्ड को मिली कि नहीं मिली? 50% की भागीदारी आदि आबादी को, महिलाओं को पंचायती चुनाव में मिली कि नहीं मिली? देखिए मैं एक चीज मानता हूं, कुछ राजनीतिक फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर उन राजनीतिक फैसलों से हरियाणा प्रदेश को नुकसान हुआ होता तो हम दोषी होते हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश को हमने नुकसान नहीं होने दिया। और हम एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने कामों को लेकर के लोगों के बीच में जाएगा, चाहे वो बतौर 2014 से 19 तक बतौर सांसद के रूप में दुष्यंत जी ने काम किया हो, या 2019 से लेकर के 24 तक दुष्यंत जी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया हो। हमने जो काम किए, लोगों के लिए काम किए, लोगों के बीच में रहे, चाहे कोरोना काल में जब लोगों को ये लगा था कि रेगुलर भी मंडियां नहीं चलेंगी और किसान की फसल की खरीद कैसे होगी, तो चार चार सब्सिडरी मंडियां बना करके एक एक डिवीजन में उससे भी ज्यादा मंडियां बना करके मंडियों की संख्या दुगनी तिगनी करके, और जब जिस प्रकार से फसल की खरीद हुई तो लोगों को ये चीज समझ आती है कि कौन डिलीवर कर सकता है। देखिए 10 सीटें थी हमारी, हम कितना गुड डिलीवर कर पाए, ये चीजें लोगों के बीच में लेकर के गए। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने से जेजेपी को नुकसान हुआ है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के साथ जाने का बतौर राजनीतिक दल जननायक जनता पार्टी को नुकसान हुआ, लेकिन मैं एक चीज और दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने इसके बाद उपरांत हरियाणा प्रदेश का कोई नुकसान नहीं होने दिया। जो भी फैसले लिए, चाहे हमारी 10 सीटें थी सरकार में हिस्सेदारी थी, जो फैसले लिए, कोई एक भी राजनीतिक दल या कोई एक भी राजनीतिक व्यक्ति या कोई भी आम आदमी इस बात को आकर के मुझे बताए कि इससे हरियाणा प्रदेश का नुकसान क्या हमने उन्हें दिया? किसान के खाते में सीधा पैसा गया, इससे किसान का नुकसान हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी की तो और भी 18 राज्यों में सरकार है, किसी भी राज्य में 1500 से ज्यादा पेंशन नहीं है, लेकिन हरियाणा में 3000 क्यों है? क्योंकि हमारी सोच थी कि इसको 5000 तक लेके जाएं। मलाल है इस बात का कि 5000 नहीं ले जा पाए, लेकिन 3000 तक इसको ले जा पाए, क्योंकि हम सरकार में हिस्सेदारी थे, पेन में स्याही कम थी, सीटें 10 थी, लेकिन फिर भी हमने हरियाणा प्रदेश के हकों की लड़ाई लड़ी, गरीब की, किसान की, मजदूर की, कमेरे की लड़ाई लड़ने का हमने काम किया। ये सारी चीजें हैं, ये लेकर के लोगों के बीच में गए, लोगों ने जिस प्रकार से एक नई नई राजनीतिक दल को 9 महीने पुरानी पार्टी को 10 सीटें देने का काम किया था, मैं मानता हूं हमारी ये सोच है कि लोग इस बार भी काम के नाम पर वोट करेंगे, और जिस प्रकार से 10 सीटें होते हुए इतना गुड दुष्यंत जी ने डिलीवर किया हरियाणा प्रदेश को, लोग उसके नाम पर।